प्रेगनेंसी में बहुत तरह तरह के स्किन चेंजेस आते हैं, ये आप सब ने नोटिस करा होगा। जो डार्क हैं उनके स्ट्रेच मार्क्स एकदम डार्क दिखते हैं, डार्क ब्राउन दिखते हैं, रेडिश ब्राउन, पर्पलिश दिखते हैं। जो फेयर हैं उनके स्ट्रेच मार्क्स पिंकिश दिखते हैं या रेडिश दिखते हैं, बट डिलीवरी के बाद ये हल्के हो जाते हैं। सिमिलरली आपके फेस पे क्लोआज़मा यानी कि प्रेगनेंसी मास्क बन जाता है, मेलाज़मा आ जाता है, ब्लैकिश स्पॉट्स आ जाते हैं, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, किसी किसी को पिंपल्स आ जाते हैं। प्रेगनेंसी के समय सारा हार्मोनल खेल है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हाई होते हैं, किसी किसी को अगर पीसीओडी तो उनका टेस्टोस्टेरोन वैसे ही हाई होता है, ऐसे में ब्लेमिशेस और ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा एक्ने आता है। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए और रेमेडीज़ क्या है। आप लोग स्किन प्रोडक्ट्स में हमेशा ऐसी चीज़ देखते हो जिसमें कि आपको ग्लो मिले और आपकी स्किन पर कोई रिएक्शन ना हो। अब ये सबको पता है, नॉर्मल स्किन के लिए ग्लाइकोलिक एसिड चाहिए होता है, ऑयली स्किन जिसको पिंपल्स आ रहे हैं उसके लिए सैलिसिलिक एसिड चाहिए होता है, और जो धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन है। आजकल हमको पता है सारी सेलिब्रिटी सनस्क्रीन को प्रमोट करते हैं क्योंकि सनस्क्रीन से आप बहुत सारी ब्लेमिशेस और रिंकल्स को बचा सकते हैं। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट होना चाहिए जो सबकी स्किन को सूट करे, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे वो ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, चाहे वो बहुत सेंसिटिव स्किन हो, या वो टीनेजर हो, या वो ओल्ड लेडी हो, राइट? तो इस तरीके की क्रीम्स हमने निकॉन कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च करी है जो कि किसी भी स्किन के लिए परफेक्ट है। तीनों की तीनों चीजें आपको अमेजॉन पे मिल जाएंगी। अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है, लिंक्स मैंने दे रखे, इस पे क्लिक करिए और इसका फायदा उठाइए। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी में जो हॉर्मोन्स बढ़ रहे हैं इनका काम यही होता है कि आपको थोड़ा सा डार्क करते हैं। ईस्ट्रोजन जो होता है स्पेशली वो आपकी बॉडी के अंदर जो मेलानिन सिक्रीट होता है, जो पिगमेंट वाला हार्मोन है, जो कि हम इंडियंस में बहुत ज़्यादा है, अफ्रीकन्स में बहुत ज़्यादा है, और यूरोपियंस में जो इंग्लिश लोग हैं या फिर जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं वो गोरे इसीलिए होते हैं, मेलानिन नहीं होता है। तो ईस्ट्रोजन का काम होता है मेलानिन को बढ़ाना। तो ऑब्वियसली जहाँ जहाँ डार्क एरियाज हैं, जैसे आपके ग्रोइन वाला एरिया हो गया, जो आपके हिप्स जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, जाके थाई स्टार्ट हो रहे हैं, आपके एक्सिला हो गया, अंडर द ब्रेस्ट हो गया, जहाँ आप ऑलरेडी हल्के से डार्क हैं वहाँ पर डार्कनेस बढ़ जाएगी। जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होगी धीरे धीरे डार्कनेस कम हो जाएगी, बट किसी किसी की पूरी तरह से नहीं जाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं लीनिया नाइग्रा और स्ट्रेच मार्क्स की। आपके पेट में जो कोलेजन टिश्यू है, जब स्किन इतनी बुरी तरह फैलती है, अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस है, ज़्यादा सपलनेस नहीं है, इलास्टिसिटी नहीं है, जो बहुत पतले होते हैं सडनली बहुत ज़्यादा वेट गेन करते हैं, उनकी स्किन फट जाती है। तो जब फाइबर्स ही फट जाएंगे तो ऊपर की स्किन में जो दाग आते हैं, जो फटे फटे दाग आते हैं, स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, वो तो रहेंगे। शुरू में डार्क होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया पर्पलिश डार्क ब्राउन, बाद में ये पिंक या वाइट हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कॉम्प्लेक्शन, हल्के हो जाते हैं, सिल्वरिश हो जाते हैं, बट ये जाते नहीं हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको बेसिकली विटामिन ई वाली क्रीम्स लगानी है, आपको अच्छी डाइट लेनी है, आपको अपने आप को हेल्दी रखना है। हमेशा हेल्थ की बात आती है क्योंकि जितना आप हेल्दी खाएंगे वो आपकी स्किन में दिखेगा। आपकी स्किन में आप मॉइस्चराइजर, एलोवेरा, विटामिन ई वाले जो क्रीम्स आती है, मॉइस्चराइजर आती है, वो लगाएं जिससे स्किन कम्फर्टिंग। स्ट्रेच मार्क्स के साथ बीच में आपने देखा होगा आपकी नाभि से लेकर नीचे तक एक डार्क लाइन होती है जिसको लीनिया नाइग्रा बोलते हैं। ये भी इसी वजह से बनती है क्योंकि आपके अंदर हॉर्मोन्स ज़्यादा हैं। इसकी कोई रेमेडी खास होती नहीं है क्योंकि ये बेसिकली रेक्टस शीट, जो आपकी दो मसल्स हैं जहां पर ये मिलती हैं, वहां की शीट होती है। हल्की सी लाइन पहले से होती है, प्रेगनेंसी के समय डार्क हो जाती है, बाद में अपने आप ठीक हो जाएगी। तो ये तो हो गए पेट के चेंजेस। स्ट्रेच मार्क्स सिर्फ पेट पे नहीं होते, आपकी ब्रेस्ट पे भी आते हैं क्योंकि ब्रेस्ट इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, आपके हाथों पर आते हैं, पीछे वेस्ट पर आते हैं क्योंकि ये सब फैल जाता है, और हिप्स पे और थाइस पे आते हैं। जहां जहां फैट बढ़ेगा वहां की स्किन फटेगी और स्ट्रेच मार्क्स बनेंगे। अब बात करते हैं फेस की। फेस खराब होना लेडीज़ के लिए सबसे बुरी बात होती है क्योंकि उनका फेस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। तो फेस का मैंने देखा है बहुत से लोगों को, चाहे वो अर्बन पॉपुलेशन हो यानी कि शहरों में रह रही हैं, ध्यान रख रही हैं, उसके बावजूद भी उनके ब्लेमिशेस, ये क्लोआज़मा रह जाते हैं। गांव के पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा दिखता है क्योंकि वो खेती में काम करते हैं, ट्यूबवेल में काम करते हैं, पूरे टाइम धूप में रहते हैं, वहाँ पर इतने प्रोडक्ट्स नहीं होते उनके पास, उनकी डाइट भी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि हम अर्बन लेडीज़ की होती है। तो बेसिकली इससे बचने के लिए क्या करें, हार्मोन लेवल का तो आप कुछ कर नहीं सकते, आप अपनी डाइट बैलेंस रखें, स्किन की केयर करें, आप एक्सफोलिएट कर सकते हैं, जो स्क्रबर्स आते हैं एक्सफोलिएशन वाले जो स्क्रब्स आते हैं आपके फेस के, उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर आपके ये ब्लेमिशेज नहीं जा रहे तो आप प्रॉपरली ग्लाइकोलिक एसिड वाली क्रीम्स लगाएं। एक क्रीम है ग्लाइकोलिक एसिड की जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। ग्लाइकोलिक एसिड के फायदे क्या हैं, ग्लाइकोलिक एसिड पहली बात तो आपके ब्लेमिशेस कम करता है, आपके डार्क जो एरियाज हैं, डार्क सर्कल्स हैं, जो आपके मेलाज़मा डेवलप हो रहा है उसको कम करता है, स्किन को लाइट करेगा, साथ ही आपकी स्किन को स्टिमुलेट करेगा कोलेजन बनाने के लिए, या आपकी स्किन के अंदर हाइड्रेशन लाता है, स्किन के अंदर एक नेचुरल कैपेसिटी होती है हाइड्रेशन को लॉक करने की, तो उसको लॉक करने में हेल्प करता है। देन ये आपकी स्किन को रीजनरेट करने में हेल्प करता है। जितनी बार आप ग्लाइकोलिक एसिड से एक्सफोलिएट करेंगे, चाहे आप पील कराएं, चाहे आप क्रीम लगाएं, आपकी स्किन एक्सफोलिएट होगी, नए सेल्स बनेंगे और आपकी जो फाइन रिंकल्स, छोटी छोटी लाइनें बन जाती हैं वो कम हो जाएंगी।
जाएगी। तो ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स आप प्रेगनेंसी के दौरान भी लगा सकते हैं, प्रेगनेंसी के बाद भी लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको डार्क स्पॉट्स हैं, चाहे वो फेस हो, चाहे वो आपके हाथ हो, या फिर आपके पेट के स्ट्रेच मार्क्स हो। कई बार स्ट्रेच मार्क्स ऐसा होता है कि हल्के हो जाते हैं बट उनकी डार्कनेस नहीं जाती है, या फिर कई बार आपने खुजली करके कोई डार्क स्पॉट बना दिए वो जा ही नहीं रहा है, तो उसके ऊपर आप ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम लगाएंगे, उससे वो कम हो जाता है। अब बात करते हैं उन लेडीज़ की जो सनलाइट में काम करती हैं या फिर जिनका काम ही बाहर फील्ड वर्क है। अब आपके लिए सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, मुझे एक वजह बता दो आप सनस्क्रीन क्यों नहीं लगाते हो। मेरे पास जो लेडीज़ आती हैं, या तो वो सनस्क्रीन यूज़ कर रही होती हैं बट उनको ये नहीं पता उनकी स्किन में कौन सा सनस्क्रीन जाएगा, SPF 50 की जगह SPF 20, 10 यूज़ कर रही होती हैं, या फिर कुछ लोग कहते हैं बहुत चिपचिपा है हमसे नहीं लगाया जाता, हमको और गर्मी लगती है। उसका तरीका है आप निकलने से पहले थोड़े बर्फ़ लगा लें फेस पे। बर्फ़ लगाने से क्या होगा कि आपकी स्किन के अंदर थोड़ा सी जो पोर्स खुले हुए वो बंद हो जाएंगे, पसीना कम हो जाएगा। उसके ऊपर आप अपना मॉइस्चराइज़र, जो भी आपका फेवरेट मॉइस्चराइज़र है, जैसे मैंने ग्लाइकोलिक एसिड वाला बताया वो लगा लें, या फिर आप जो भी लगाते हैं वो लगा लें, बट बहुत चिपचिपी क्रीम निविया टाइप्स जो क्रीम्स आती हैं वो ना लगाएं। वो घर के लिए जब आप रात में सोते हैं उसके लिए होती है, आप जब दिन में काम कर रहे हैं निकल रहे हैं तो आपको नॉन ग्रीसी क्रीम चाहिए, ठीक है। तो ग्लाइकोलिक एसिड वाली क्रीम लगाई, उसके बाद सनस्क्रीन लगाएं, वो थोड़ा चिपचिपा करेगा। डिपेंडिंग आपकी स्किन ऑयली है कि ड्राई है, आप SPF 50 वाला सनस्क्रीन लगाएं। ये जो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ ये उन लोगों के लिए जिनकी नॉर्मल स्किन है, जनरली उन लोगों को देती हूँ जिनकी ऑयली स्किन होती है, क्योंकि हल्का सा मैट फिनिश वाला है। इसके बाद आप ऊपर से कुछ फेस पाउडर या जो भी आप मेकअप लगाते जरूर लगाएं। अगर आप डायरेक्ट सनस्क्रीन लगा के बाहर निकलोगे तो थोड़ा सा पसीना आएगा और उससे आपको और ज़्यादा वाइट फील होगा फेस, तो आपको उसके ऊपर लॉक करने के लिए कुछ ना कुछ हल्का सा मेकअप लगाना जरूरी है। उससे आपकी स्किन में ग्लो रहेगा, ये अंदर लॉक रहेगा, यूवी रेज से आपको बचाएगा, सन की जो गंदी रेज आती है जिससे आपकी स्किन डार्क होती है, रिपेयर नहीं होती, और आगे जाके जो लोग बहुत ज्यादा सन में घूमते हैं उनको परमानेंट डार्क स्पॉट्स या स्किन के कैंसर बनते हैं, उससे बचाएगा। तो मेलाज्मा और डार्क स्पॉट्स के लिए आप ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम लगाएं और आप सनस्क्रीन जरूर लगाएं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है पफ़ी आइज़, यानी कि आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और उसमें पफ़ीनेस। अब पफ़ी आइज़ बहुत लोगों को होती है, मेरे को भी कई बार हो जाती है, मेरे को तो इतने टाइम हो गया डिलीवरीज़ का, मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए, बट पफ़ी आइज़ के बहुत सारे कारण होते हैं। या तो आप पानी ढंग से नहीं पी रहे, या फिर कई लोग उल्टे सोते हैं, उल्टे सोने की वजह से यहाँ पर पफ़ीनेस आ जाती है, डार्क सर्कल्स आते हैं। अगर आप ठीक से सो नहीं पा रहे, आप नई माँ बनी हैं, बच्चा आपको सोने नहीं दे रहा है, बच्चा रो रहा है और आप परेशान हैं, तो आपकी पफ़ी आइज़ वही होंगी। तो आप अपनी डाइट अच्छी रखें, कोशिश करें उल्टा ना सोएं, अच्छे से पानी पिएं, रेस्ट करें, तो आपकी पफिनेस कम हो जाएगी। और अगर डार्क सर्कल्स है तो उसका ट्रीटमेंट तो मैंने आपको बता ही दिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने आपको बताया किसी को प्रेगनेंसी एक्ने निकलते हैं, जो कि बहुत रेयर है कि प्रेगनेंसी के समय आपको मुहासे निकलें, बट बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिस्टर्बेंस आप ऑलरेडी अगर ऑयली स्किन वाली पेशेंट है तो आपको एक्ने निकलेंगे। उसके लिए आपको ग्लाइकोलिक एसिड वाली क्रीम तो लगा ही सकते हैं, साथ में सैलिसिलिक एसिड भी लगाना पड़ेगा। सैलिसिलिक एसिड के स्प्रेज आते हैं, क्रीम्स आती हैं, इसके मॉइस्चराइजर्स आते हैं, जो आपको सही लगे आप उसको यूज़ करिए। जो मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ वो एक स्प्रे है, वो आपके पिंपल्स को कम करेगा, आपकी ऑयली स्किन को कम करेगा। साथ में आपको जो भी सनस्क्रीन सूट होता है वो जरूर लगाएं, जो मैंने बताया वो मैट फिनिश का है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी स्किन ख़राब नहीं होगी और प्रेगनेंसी के बाद भी आप एक ग्लोइंग स्किन के साथ मूव ऑन कर सकते हैं, रादर देन कि हाँ मेरे दो बच्चे हुए थे, दूसरे बच्चे के बाद मेरी स्किन ख़राब हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके बाद वो इतनी बुरी तरह डैमेज हो जाती है कि उसका कुछ नहीं कर सकते। सो इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि जो प्रेगनेंसी में स्किन चेंजेस आते हैं उससे आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। कुछ चीज़ें तो होनी ही होनी है, बट आप कैसे अपनी केयर करके अपनी स्किन को डार्क होने से, ब्लेमिशेस होने से, रिंकल्स होने से, गंदे स्ट्रेच मार्क्स होने से, जो ड्रेसेस में गंदे दिखें, साड़ी में गंदे दिखें और बहुत सारे मुहासे निकल आए जो कभी ठीक ही ना हो, उससे आप कैसे बचा सकते हैं। तो बेसिकली बर्फ लगाइए जिससे आपके पोर्स बंद हो जाए, रेगुलर वॉशिंग और स्क्रबिंग करें, बहुत ज़्यादा भी ना करें कि आप बिल्कुल डैमेज कर लें स्किन को, अच्छी क्रीम्स लगाएं, ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स लगाएं, सैलिसिलिक एसिड उनके लिए जिनको एक्ने निकलते हैं, और सनस्क्रीन प्लीज़ लगाना ना भूलें। जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं सब सनस्क्रीन को प्रमोट करते हैं और मैं भी आज आपको बताऊंगी कि मैंने भी पिछले कुछ सालों से ही सनस्क्रीन लगाना शुरू करा है, जो कि बहुत इफेक्टिव है, दिन में भी और रात में भी अगर मैं लाइट्स के सामने खड़ी हूँ तो मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा, मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करिए। मुझसे डायरेक्ट कंसल्टेशन के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें तो आपको 2 दिन के अंदर मेरा कंसल्टेशन मिल जाएगा, वीडियो कॉल या वॉइस कॉल, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।